15 दिन पहले तो दुख सुख में सबका आवा जावा, जब इलेक्शन का टाइम आवा, जब इलेक्शन होकर निबट जा फिर किसी के मरो जियो कुछ नहीं। लेकिन इस लड़के ने जब से पिछली बार इलेक्शन लड़ा था तब से कोई आदमी नहीं कह सकता मेरे यहाँ मरने जीने में दुख में सुख में दो दो तीन तीन बार राउंड लगाए। तो इस कर का सब लोगों की रुचि है कि रविंद्र रावा को जिला पंचायत में रविंद्र रावा को समर्थन दे रहे। इससे पहले कितने कैंडिडेट आ लिए, जीत चुके, जा लिए, लेकिन कोई खास विकास नहीं। आप किसको समर्थन दे रहे हैं इस बार यहाँ से? रविंद्र रावा को। ऐसा क्या कर दिया कि पूरी जितनी भी बैठक है सारे रविंद्र धामा को ही समर्थन? अपना दोस्त, अच्छा लड़का, नवा चेहरा, इसमें देते थे। ये बैठक नहीं, ये मानो आप लगभग लगभग पूरा गांव ही रविंद्र धामा जी को समर्थन दे रहा है। अगर अध्यक्ष पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी का बन गया तो फिर विकास कैसे होगा? देखो फिर तो मजबूर हो जाएंगे, क्या होगा उसके लिए। तो अगर ऐसा होगा वो तो ऊपर लिए राजनीति है, वो तो ऊपर जाने। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो सबसे सही कैंडिडेट फिलहाल रविंद्र धामा जी ही हैं, बाकी सभी हमारे परिचित हैं, अपरिचित कोई नहीं है। जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं सब क्षेत्र से हैं, सबको हम जानते हैं और अच्छे से जानते हैं, घर तक जानते हैं, लेकिन उन सब में रविंद्र धामा सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। नमस्कार, मैं प्रवेश राय, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं टिकोला गांव, जिला पंचायत वार्ड नंबर 33 टिकोला कला। आइए यहाँ की जनता से जानेंगे इस बार किसका रुझान है, जिला पंचायत किसके खाते में जा रही है। यहाँ से बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, बसपा भी है, कुछ लोगों ने निर्दलीय पर्चा भी भरा है। आइए गाँववासियों से जानेंगे कि इस बार किसको समर्थन है, क्या लग रहा है, किसकी बहुमत है इस बार यहाँ से। बताओ भाई। भाजी तुम बताओ, गाँववासी किसका समर्थन है इस बार यहाँ से? भाई रविंद्र धामा। अरविंदर धामा भाई। बीजेपी से अविनाश भी हैं, बसपा से अंशुल चौधरी जी भी हैं, क्या ऐसा क्यों है कि सिर्फ रविंद्र धामा जी को ही समर्थन है? वो तो अपने उसकी बात है मन की। कई साल से जी यहाँ से क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब कि नलके भी लगवाए यहाँ टिकोले कल में, शेर पर वो बढ़िया काम करवा कई साल से लग रहे हैं। तो कई साल माने तो मतलब ऐसा मतलब कि क्षेत्र में घूम रहे हैं ये तो। मैं अभी चुनाव आया 15 दिन से ही जो बाकी प्रत्यक्षी हैं वो अभी काम कर रहे हैं, ये तो लड़का बहुत दिन से काम कर रहा है। ऐसा क्या काम किया है आप लोगों के बीच में कि मतलब आपसे बात करके तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि आप मन बना के बैठ गए रविंद्र धामा को? बढ़िया लड़का, आगे भी काम करेगा, विजय होंगे तो आगे भी काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए और भी लोग मौजूद हैं गाँव में, काफ़ी उम्र दराज भी लोग हैं, आइए बातचीत करेंगे। आपकी उम्र बीत गई वोट देते देते, आपने इतने वोट दिए होंगे जितने अभी हम देखने भी नहीं हैं आपने, तो आप इस बार किसको समर्थन दे रहे हैं यहाँ से? यहाँ से किस कौन सी पद पर? जिला पंचायत रविंद्र रावा को समर्थन दे रहे हैं। इससे पहले कितने कैंडिडेट आ लिए, जीत चुके, जा लिए, लेकिन कोई खास विकास नहीं करा रविंद्र धामा पे, मतलब ऐसा क्यों विश्वास? अब इस पर इसलिए उम्मीद है, ये 5-7 साल से लगातार इसका मन लगा हुआ, उसकी इच्छा है कि मैं यहाँ से लोगों का कुछ विकास करूँ, कुछ इनका सुधार करूँ, उसके मन में ऐसी भावना है। नहीं ये कुछ लोग ऐसे कि जीत का भाग जाए फिर वापस 5 साल तक पलट कर देखते नहीं कि पीछे क्या हो रहा है। पहले कौन थे यहाँ से जिला पंचायत? पहले जिला पंचायत सदस्य यहाँ था सविता चौधरी। कौन सी पार्टी से थी वो? बसपा से। कुछ किया उन्होंने यहाँ पे? भाई ये तो आपको सबको पता है क्या किया उन्होंने? नहीं हमें तो एक अलग नज़रिए से पता है, लेकिन आप गाँववासी हैं, आपको जो चीज़ें पता होंगी वो हमें नहीं पता होंगी, तो आप बताएंगे वो बात? कुछ नहीं करा, आपको मालूम है कि मुकदमे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए, ये करा। मतलब ऐसा क्या कर दिया कि हाई कोर्ट ना उसमें अपने उसमें क्षेत्र में पूरा डिस्ट्रिक्ट के मालिक हमें, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा गड़बड़ मामला करा होगा इसलिए उन पर मुकदमे दर्ज हुए। और ये बीजेपी से आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार? यहाँ से बीजेपी का ऐसा कोई कैंडिडेट पहले नहीं जीत कर आया, तो उन बेचारों का क्या बता मैं, जब किसी का सत्ता में नहीं आए वो क्या करेंगे? आपसे एक सवाल और, सत्ता में बीजेपी है, जीता आप कांग्रेस को रहे हैं, आपको लगता है कांग्रेस के प्रत्याशी काम कर पाएंगे? नहीं ये आपकी बात सही है, कुछ आदमी ऐसा भी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का यहाँ कैंडिडेट है ही नहीं, कोपराना सीटों पर छोड़ दी है, ये कांग्रेस के नेताओं का ये फोटो क्यों लगा रहे हैं? हाँ, ये ऐतराज है एक दूसरे के लिए। हाँ क्यों लगा रहे हैं? नहीं वो तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अपने लीडरों का फोटो लगाएंगे, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है वो तो ऐतराज कर रही है ना, तो चलिए ठीक, उनका तो मकसद है एक दूसरे की। कांग्रेस के कार्यकर्ता थे,
अब आपसे पूछता हूँ, जनता होने के नाते समर्थन में है आप, कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया, क्या लगता है? ये तो मुझे जाना है। अब जो ऊपर से कांग्रेस विश्वास नहीं जता पाई, सीट जिता के दे पाए, उन्होंने मना तो नहीं करी, पर्चा भरवा कांग्रेस का यहाँ विधायक है, उन्होंने उसके समर्थन पर्चा भरवाया कर इसका नामांकन दाखिल करवाया कर, तो ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने विश्वास नहीं जताया। तो अगर विश्वास जताते तो टिकट मिलता। ये ओपन सीट है, ओपन से पता नहीं एक दो सीट और भी होंगी, होगी कुछ उनकी बात। चलिए, गांव में और भी लोग मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करेंगे, बैठक में आए कहीं ना कहीं, तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो देखिए, काफ़ी उम्र दराज लोग बैठे हैं, आज पहली बार इतने उम्र लोग के लोगों से ऐसी बातचीत करने का मौका मिला है। देखिए, एक बाबा जी मौजूद हैं, आइए आपसे बातचीत करेंगे। आप इस बार जिला पंचायत में किसको समर्थन दे रहे हैं? जिला पंचायत जी, शेर पर का भी आ रहे हैं तो नहीं आ रहे, किसे दे रहे हैं? शेर पर का भी आ रहा और भी आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं। आप किसको जिताएंगे इस बार? शेर पर कहेगा लिख लो तो, और क्या किस का? शेरपुर वाले को जिताओगे आप? हाँ। क्या नाम है उसका, शेरपुर वाले का? बता रहे हैं जो बता रहे ठीक बता रहे। आप कुछ और बता रहे हैं, ये लोग कुछ और बता रहे हैं? मत नहीं, कुछ और बता। आपने बताया शेरपुर वाले को? हाँ, शेर ये तो रविंदर धामा का, वो तो शेरपुर का ही, तो शेरपुर वाले को जिता रहे हैं। देखिए, और भी लोग मौजूद हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। आप किसको समर्थन दे रहे हैं इस बार यहाँ से? भाई, रविंदर धामा को ही दे रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया है कि पूरी जितनी भी बैठक है सारे रविंदर धामा को ही समर्थन? अपना दोस्त, अच्छा लड़का, नवा चेहरा, इस वजह दे रहे। अच्छा, पिछली बार भी कोशिश करी ना, नहीं निकल पाया। आप अच्छा लड़का होने के नाते मतलब वोट दे देंगे? हाँ, अगर काम ना कराए फिर आप क्या कहेंगे? उम्मीद पर लड़ा जा, काम करना ना करना तो उसके हाथ में। नहीं, पिछली बार कहीं ना कहीं आप लोगों ने जब सविता चौधरी को जिताया था तो आप लोगों को उम्मीद रही होगी कि काम करेंगे, ये उम्मीद तो किसी की नहीं रही होगी कि मुकदमे होंगे उनके ऊपर। सुन तो ले, हर बार ना चेहरा हो अपना कैसे देख लेंगे, और क्या बात होगी। इसे कैसे देख रहे हो, वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या किया है आप लोगों के बीच में? 5 साल तो पिछले तो प्रयास भी कर रहा है। प्रयास तो सब करते हैं, प्रयास तो सारे करते हैं। क्या कहूँगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करता, इसे वोट देंगे, ठीक बात। चलिए, और भी लोग मौजूद है, बातचीत करेंगे, पूछेंगे। आप बता दीजिए, थोड़ा सा आप बता दीजिए, बाबा जी ने तो बता दिया। देखिए, और भी लोग हैं, कुछ युवा लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि इस बार किसको समर्थन है? रविंदर धामा। देखिए, मैं पूरी बैठक में सबसे पूछ चुका हूँ, कुछ आप ऐसा बता दीजिए कि जो मतलब रविंदर धामा, तो देखिए सारे बोल रहे हैं, रविंदर धामा ने कुछ ऐसा काम किया हो जिस वजह से मैं भी राजी हो जाऊं कि हाँ ठीक है। देखो, रविंदर धामा क्या हुआ, यहाँ मरण जीवन दुख सुख सभी नेता हमारे पुराने भी होकर जा लिए। अब 15 दिन पहला तो दुख सुख में सबका हुआ जाऊँ, जब इलेक्शन का टाइम आवा, जब इलेक्शन होकर निबट जा फिर किसी के मरो जियो कुछ नहीं। लेकिन इस लड़के ने जब से पिछली बार इलेक्शन लड़ा था तब से कोई आदमी नहीं कह सकता मेरे यहाँ मरने जीने में दुख में सुख में दो दो तीन तीन बार राउंड में लगाए। तो इस कर का सब लोगों की रुचि है कि रविंदर धामा को वोट देंगे। गांव के क्षेत्र में कुछ विकास किया है पहले रविंदर धामा ने, कैंडिडेट तो अब बने हैं, लेकिन फिर भी कुछ जनता से देखिए जुड़ने के साथ साथ कुछ छोटे कार्य ऐसे होते हैं, नाली बनवाना, इस तरीके के मतलब छोटे छोटे कार्य होते हैं, क्या इस तरीके का लगता है कुछ? हाँ, ब्लॉक से उन्होंने काम लाकर किसी का पाइप लाइन दरवाई है, ट्वेल लगवाए हैं, तो जो उसके बस का जो जितना था उसने करा। देखिए, अंकल जी बैठे हैं, मैंने उनसे भी यही सवाल किया था, आपसे भी यही सवाल कर रहा हूँ, बीजेपी की सेंट्रल में है, बीजेपी की राज्य में है, आप जिता रहे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थन में, तो क्या लग रहा है विकास हो पाए? बदलाव तो ला जाएगा ऐसे ही। आप बदलाव लाइए, मेरे को इस चीज़ में कोई एतराव ला, ऐसे ही बदलाव ला के तो अभी तो आगे चलेंगे, अगर बीजेपी को बीजेपी फिर बीजेपी तो रहेगी, फिर बीजेपी का क्या? मैं आपके बदलाव से एतराज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बदलाव लेकर चलेंगे तभी तो आगे बदलाव आऊगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने तो यहाँ पे बदलाव कर दिया, और अगर अध्यक्ष पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी का बन गया तो फिर विकास कैसे होगा? देखो, फिर तो मजबूर हो जाएंगे, क्या होगा उसके लिए, तो अगर ऐसा होगा वो तो ऊपर लिए राजनीति है, वो तो ऊपर जाने। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि पिछली बार 3 सीट जीती थी भाजपा, उसके बाद भी अगर उन्होंने अध्यक्ष बना लिया था तो आपको ये भी पता होगा कि बीजेपी ना भी जीते कहीं ना कहीं तो अध्यक्ष अगर बना लेगी तो कहीं ना कहीं, मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप बीजेपी के समर्थन में? वो
समर्थन हमारा लड़का अच्छा है, इस करके जा रहे हैं। बीजेपी का कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं है। देखिए ये गांव की जनता है, जनता जनार्दन बिल्कुल। देखिए रविंद्र धामा जी, ये आपको जरूर देखना होगा कि जनता है, पूरी बैठक है गांव में, घूमते घूमते पूरी बैठक कहीं ना कहीं आपके नाम पे है। और पूरी यहाँ पे आपको आना भी होगा और जनता से मिलके बातचीत भी करनी होगी। देखिए युवा हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे आप किसको समर्थन दे रहे हैं। ये बैठक तो पूरी कहीं ना कहीं रविंद्र धामा जी की, ये बैठक नहीं, ये मानो आप लगभग लगभग पूरा गाँव ही रविंद्र धामा जी को समर्थन दे रहा है। और इसका कारण है कि रविंद्र धामा यूथ के भी सपोर्टर हैं और अपने बड़े बुजुर्गों का भी मान सम्मान करते हैं, सबसे मिलते हैं जुलते हैं, सबके सुख दुख में उनके साथ रहते हैं। मान सम्मान की बात करिए तो और जो प्रत्याशी आ रहे हैं क्या वो मान सम्मान नहीं करते? वो सब करते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो सबसे सही कैंडिडेट फिलहाल रविंद्र धामा जी ही हैं। बाकी सभी हमारे परिचित हैं, अपरिचित कोई नहीं है। जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं सब क्षेत्र से हैं, सबको हम जानते हैं और अच्छे से जानते हैं, घर तक जानते हैं, लेकिन उन सब में रविंद्र धामा सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। और पूरा गांव लगभग लगभग पूरा ही गांव रविंद्र धामा जी को सपोर्ट कर रहा है। और इस गांव की बात नहीं, बाकी जो प्रत्याशी उनको मना कर देते हैं इस गांव में आने के लिए। मना तो कोई किसी को नहीं करता है, अपने घर पे आता है, किसी को मना नहीं सबका। हम तो हमारी तो आदत ही, हम तो ऐसे परिवारों से, ऐसे गाँव से, इस गाँव में सबका मान सम्मान है। हम अपने माध्यम से मना कर देते हैं कि आप लोग मत आइए, पूरा गाँव कहीं ना कहीं मन बना चुका है। आप भी मना मत करो, उन्हें अपना मेहनत करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें भी करने दो। लेकिन रुझान जो है, मैं आपको रुझान बता रहा हूँ, गांव का रुझान पूरा का पूरा रविंद्र धामा जी की तरफ है। और पिछली बार भी इलेक्शन जो पिछली बार हुआ था अभी 2020 में, उसमें भी रविंद्र धामा जी को इस गांव ने जिता के भेजा था, एक तरफा वोट डाला था उनके पक्ष में। और ये नखनौता से खड़े हुए थे, इनको भी पीछे छोड़ दिया था। कौन खड़ा हुआ था नखनौता से उस टाइम पे? सविता चौधरी मैदान में थे, उनके सामने दो ही मेन कैंडिडेट थे उस समय, और उनको भी पीछे छोड़ दिया था। देखिए गांव की जनता है, इसी तरीके से और भी लोगों से बातचीत करेंगे, आगे चलेंगे बातचीत करने के लिए। लेकिन आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पूरी बैठक कहीं ना कहीं रविंद्र धामा जी की है। रविंद्र धामा को यहाँ आना होगा और उनसे बातचीत करनी होगी गाँव की जनता से कि ऐसा क्या करा उन्होंने कि रविंद्र धामा जी के बिल्कुल समक्ष में नज़र आ रही है पूरी जनता। और अविनाश शर्मा को इस पर सोचना होगा कि क्या मैंने ऐसा क्या कार्य किया या पिछले समय में मैंने क्यों नहीं जनता के बीच रह पाया जो जनता मेरे खिलाफ़ है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे इसी तरह से।